नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है चतुर्थ क्रियाएं। तो चतुर्थ क्रियाएं जो होती हैं वो तृतीय क्रियाओं का ही थोड़ा उच्च स्वरूप है, या ये कह सकते हैं कि तृतीय क्रियाकलापों का थोड़ा उच्च स्तर है। अब हम ये देखेंगे कि चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन लोग आते हैं, उनका क्या काम होता है। तो चतुर्थ क्रियाकलाप में ज्ञान आधारित क्रियाओं को शामिल किया जाता है। चतुर्थ में हम ज्ञान आधारित जो सेवाएं हैं उन्हें शामिल करते हैं। ऐसी क्रियाएं जो मुख्य रूप से व्यक्ति के ज्ञान पर निर्भर होंगी और जो थोड़ी तृतीय क्रियाकलाप से उच्च स्तर की होंगी वो चतुर्थ क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अनुसंधान करने वाले लोग हो गए, शोध करने वाले लोग हैं, ये जो अनुसंधान और जो शोध का कार्य करते हैं इन लोगों को बहुत अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ऐसे लोग जो रिसर्च कर रहे हैं लगातार, वो चतुर्थ क्रियाओं के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक और जो कार्य है उसको शामिल किया जाता है, वो है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी में जो लोग संलिप्त हैं, जो लोग सूचना प्रौद्योगिकी में संलग्न हैं, वो लोग भी चतुर्थ क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। हमारा अंतिम जो सेक्टर है वो है पंचम सेक्टर या पंचम क्रियाएं। ये जो पंचम क्रियाएं होती हैं इसमें उच्च स्तर की नीतियां, उच्च स्तर की नीतियां या उच्च स्तर के निर्णय विचारों की व्याख्या विचारों का पुनर्गठन आंकड़ों की व्याख्या इस प्रकार के कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा जो लोग हमारे जो फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं वो लोग भी क्या है, पंचम क्रियाओं के अंतर्गत शामिल होते हैं। अर्थात क्या है, पंचम क्रियाओं में प्राय उच्च स्तर की जो नीतियाँ निर्णय हैं या जो विचारों की व्याख्या कर रहे हैं या जो आंकड़ों की व्याख्या कर रहे हैं या जो हमारे फ्यूचर प्लान्स बना रहे हैं उन लोगों को शामिल किया जाता है। अब इसमें ये जो पंचम क्रियाएं हैं इसको हम स्वर्ण कॉलर भी कहते हैं। जो पंचम क्रियाएं हैं उनको हम स्वर्ण कॉलर भी कहते हैं। इसके कुछ और उदाहरण आपको बता रही हूँ मैं। इसमें जैसे वैज्ञानिक लोगों को भी शामिल करते हैं, या इसमें जैसे कोई बड़ी कंपनी है तो उस कंपनी के सीईओ को भी इसमें शामिल किया जाता है, या ये भी कहते हैं कि जो वित्तीय वो कानूनी सलाह देते हैं ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं, हमने जो पंचम सेक्टर है ये टॉप मोस्ट सेक्टर है और इसमें अधिकांशतः ऐसे लोग या ऐसे क्रियाएं शामिल हो रही हैं जो कि देश के लिए नीति बना रही हैं या कुछ आंकड़े हैं उनकी व्याख्या कर रही है, फ्यूचर के लिए प्लान बना रही है। तो ये जो हमारा क्रियाकलाप है वो पंचम क्रियाकलाप कहलाता है। अनौपचारिक सेक्टर, पहला हम ले रहे हैं आज अनौपचारिक सेक्टर अपना। हम ये देखते हैं कि दैनिक जीवन में हम अपने काम को सुविधाजनक बनाने के लिए कई लोगों से हेल्प लेते हैं। तो ऐसे जो लोग हमें अपनी सेवाएं देते हैं, हमारे दैनिक जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए जो लोग हमें सेवाएं प्रदान करती हैं वो अनौपचारिक सेक्टर
कहलाता है। होता क्या है कि रोजगार की तलाश में लोग गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। रोजगार के लिए लोग क्या करता है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर प्रवास करता है, और शहर आके वो फिर अपनी जो उनके आर्थिक क्रियाकलाप है या जो भी उनको कार्य मिल रहा है उसमें संलिप्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग अनौपचारिक सेक्टर को इंडिकेट करते हैं। होता यह है ये लोग जो होते हैं जब गांव से शहर आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कुशल तो होते नहीं है, तो ये एक प्रकार से अकुशल श्रमिक होते हैं या अकुशल श्रमिकों का वर्ग होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ग्राम से शहर की ओर काम की खोज में आने वाले अकुशल वर्ग के लोग अनौपचारिक सेक्टर को इंडिकेट करते हैं। अब हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से लोग होते हैं जो हमारे काम को कंफर्टेबल बनाते हैं, जैसे गृहपाल हो गए, खानसामा हो गया, या माली है, या मोची है। ये लोग क्या करते हैं, हमें हमारे डेली जीवन के जो काम हैं उसको करने में हमें हेल्प करते हैं। तो ऐसे लोगों के जो कार्य होते हैं वो अनौपचारिक सेक्टर को इंडिकेट करते हैं। सेकंड हम देखेंगे बाह्य श्रोतन। बाह्य श्रोतन का मतलब होता है कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए लोगों को ठेका देना। जब हम अपनी लागतों को घटाने के लिए, जो हमारी लागत है उसको घटाने के लिए और लाभ को बढ़ाने के लिए लोगों को ठेका देते हैं तो उसको बाह्य श्रोतन कहा जाता है। अब इसमें क्या है, ये जो बाह्य श्रोतन होता है वो समुद्र के बाहर के या समुद्र के पार के लोगों को भी दिया जाता है। अर्थात जब हम किसी ठेके को समुद्र के पार के लोग या विदेश के भी कह सकते हैं, समुद्र पार के लोगों को जब हम कोई ठेका ऐसे देते हैं तो उसको हम कहते हैं अपतरण। अपतरण माने होता है समुद्र पार किसी काम का ठेका देना, या अपतरण को हम ऑफशोरिंग भी कहते हैं। तो क्या हो गया, बाह्य श्रोतन का मतलब होता है बाहर के लोगों को ठेका देना, जिससे कि हम अपनी लागतों को घटाते हैं और अपने लाभ को बढ़ाते हैं। इसमें हम कई बार समुद्र के पार भी ठेका देते हैं लोगों को, तो समुद्र के बाहर या पार किसी भी व्यक्ति को ठेका देने को अपतरण या ऑफशोरिंग कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं कई बार इसके कुछ और उदाहरण हम देख सकते हैं कि बाह्य श्रोतन के अगर आपसे उदाहरण पूछे जाएं तो इसके कुछ उदाहरण आपको बताए जाएंगे, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, या कॉल सेंटर्स जो होते हैं, ये सूचना प्रौद्योगिकी है, कॉल सेंटर्स हैं, या मानव संसाधन, ये सब जो है वो बाह्य श्रोतन के प्रमुख उदाहरण है। थर्ड पॉइंट है हमारा अंकीय विभाजक या अंकीय विभाजन, जिसे हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण जो होता है पूरे ग्लोब पर समान नहीं होता। अर्थात जितने भी इंफॉर्मेशन हमें हम ये कह सकते हैं नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल रही है, जैसे इंटरनेट से मिल रही है या सैटेलाइट से मिल रही है, तो हर जगह पे इनसे जो प्राप्त हमें न्यूज़ है या इन्फॉर्मेशन है वो बराबर नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है। भारत के अंदर ही हम देखते हैं कि भारत में अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं या दिल्ली की बात करते हैं, तो इन मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लोगों को जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम कंपैरिजन करें भारत के अंदर, कोई ग्रामीण क्षेत्र की बात हम करते हैं
ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी सूचना मिलने में लोगों को बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। कारण क्या है कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पे जो हम ये कह सकते हैं डिजिटल फैसिलिटीज़ हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा विकसित हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या है वो चीज़ उतनी ज़्यादा विकसित नहीं है। अब ये हमने भारत के अंदर की बात की, अगर हम विश्व के सारे देशों के साथ इसका कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं विश्व में जैसे अमेरिका है या जापान है या चाइना की बात अगर हम करते हैं तो इन जगहों पे जो इनकी जो डिजिटल फैसिलिटीज़ हैं या हम ये कह सकते हैं इनका जो सूचना तंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। इसके अगर हम इसी का कंपैरिजन दूसरे देश के साथ करें, भारत के साथ करें या नेपाल के साथ करें, तो हम देखेंगे कि इन देशों में जो डिजिटल फैसिलिटीज़ हैं वो इनकी तुलना में थोड़ा कम हैं। तो क्या देख रहे हैं हम, ऐसे देश जहाँ पे डिजिटल फैसिलिटीज़ या सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र जो होता है वो बहुत ही कम विकसित होता है, वहाँ के लोगों को सूचनाएं बहुत ही धीरे धीरे प्राप्त होती हैं। जबकि जिन क्षेत्रों में ये सूचना तंत्र या सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होता है, बहुत ज़्यादा विकसित होता है, वहाँ पे लोगों को सूचनाएं प्राप्त करने में बहुत ही कम समय लगता है। जनरली ये देखा जाता है कि जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, जापान, चाइना, इनकी बात करते हैं, इन देशों में जो लोगों को सूचना प्राप्त कराती है उनके गवर्नमेंट वो बहुत ही शीघ्रता से करती है। इनको बहुत जल्दी क्या क्या चीज़ें हमारे देश में या पूरे विश्व में हो रही हैं बहुत शीघ्रता से इनको वो सूचना प्राप्त हो जाती है। जबकि जिन देशों में जो सूचना तंत्र है वो अगर पिछड़ा हुआ है तो उन देश के लोगों को क्या होता है, सूचनाएँ बहुत ही लेट मिलती हैं। तो ये जो गैप है सूचना जल्दी मिलने का और सूचना देर से मिलने का जो अंतर है, इस अंतर को कहते हैं अंकीय विभाजन, या हम ये कह सकते हैं सूचना प्राप्त होने की शीघ्र व धीमी गति का अंतर। कहीं हम देख रहे हैं जल्दी सूचना मिल रही है और कहीं हम देख रहे हैं बहुत देर से या धीमी गति से सूचना मिल रही है, तो ये जो अंतर है इसी अंतर को अंकीय विभाजन कहा जाता है।